नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स मास्टर पे। दोस्तों, सोशियोलॉजी में अब तक हम लोगों ने 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग 7 से 10 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले हम लोगों ने 101 प्रश्न किया था, आज 102 से शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से बाजार का स्वरूप है, यानी कि बाजार का स्वरूप कौन सा है ये बताना है आपको। तो निम्न में से बाजार का स्वरूप है, आपके ऑप्शन है साप्ताहिक बाजार, औद्योगिक बाजार, पूर्ण एवं अपूर्ण बाजार, और चौथा है ये सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी, ठीक है। क्योंकि बाजार के ये सारे रूप हैं, इसलिए सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है बाजार क्या है, ठीक है दोस्तों। बाजार क्या है, आपके ऑप्शन है एक संस्था, एक सामाजिक समूह, एक समुदाय, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा बाजार क्या है, तो बाजार एक संस्था है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एडम स्मिथ ने कहा कि बाजार में काम करता है, ठीक है। एडम स्मिथ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बाजार में क्या काम करता है, तो आपके ऑप्शन है अदृश्य लाभ, अदृश्य हाथ, अदृश्य श्रम, या अदृश्य धन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अदृश्य हाथ, ठीक है। एडम स्मिथ ने कहा था कि बाजार में एक अदृश्य हाथ काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किया गया है, यानी कि अस्पृश्यता संबंधी अनुच्छेद कौन सा है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 21, सेकेंड अनुच्छेद 17, थर्ड अनुच्छेद 29, और चौथा है अनुच्छेद 15। तो दोस्तों, अस्पृश्यता संबंधी यानी कि छुआछूत संबंधी जो अनुच्छेद है जिसमें इसको समाप्त किया गया है, वो आपका अनुच्छेद 17 है, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अस्पृश्यता किस में दिया गया है, अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 आपका दैहिक जीवन की स्वतंत्रता है, ठीक है। जब मौलिक अधिकार पढ़िएगा पॉलिटी में, तो इसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है। उसी में से आपका अनुच्छेद 21 आता है, जिसमें दैहिक जीवन की स्वतंत्रता की बात होती है, ठीक है। अनुच्छेद 29 में आपका अल्पसंख्यक के अधिकार दिए गए हैं, यह अनुच्छेद आपका अल्पसंख्यक से संबंधित है। और अनुच्छेद 15 में आपका दिया गया है समानता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या किसी भाषा के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, यह अनुच्छेद 15 में दिया गया है, ओके। तो अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में है, तो अस्पृश्यता आपका अनुच्छेद 17 में है, ठीक। नेक्स्ट आपका है अछूत जातियों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया गया, यानी कि हरिजन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, सेकेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, थर्ड गांधी जी द्वारा, या चौथा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो दोस्तों, अछूतों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था महात्मा गांधी जी ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने हरिजन संघ नामक संस्था का गठन भी किया था, ओके। नेक्स्ट आपका है जाति संबंधी नियोग्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, ठीक है दोस्तों। जाति संबंधी नियोग्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, आपके ऑप्शन है 1835, 1849, 1850, या 1855। तो जाति संबंधी नियोग्यता निवारण अधिनियम लागू किया गया था 1850 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में गठित हुआ था, ठीक है। यानी कह रहा है कि भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था, यानी कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये कहना चाह रहा आपसे। तो आपके ऑप्शन है बीपी मंडल, सेकेंड है काका कालेलकर, थर्ड है अंबेडकर, और चौथा है सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पे पहले पिछड़े वर्ग आयोग की, ठीक है। तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की जो अध्यक्षता किया था वो काका साहब कालेलकर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु, पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की, तो आपके ऑप्शन है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, या इनमें से कोई नहीं।
तो बात हो रही है ज्योतिबा फूले की। तो ज्योतिबा फूले के स्थापना किया था किसकी, सत्यशोधक समाज की किया था, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती थे और ब्रह्म समाज के राम मनोहर, ठीक है, राय थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है जाति पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है। ठीक है, जाति पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है, आपके ऑप्शन है जाति वर्गीकरण, सेकेंड है जाति संघर्ष, थर्ड है किसी जाति में प्रवेश पाने के लिए किया गया प्रयास, चौथा है किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत धारणा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा क्या कहलाता है, जाति पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, निम्न से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे, ये भी आपका अन्य से बोल सकते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग था ये भी। ठीक है, तो मंडल आयोग की अध्यक्षता किसने किया था, आपके ऑप्शन है बीपी मंडल, सेकेंड है धनिक लाल मंडल, थर्ड है चंदेश्वरी लाल मंडल और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मंडल आयोग की अध्यक्षता किया था बीपी मंडल ने। ठीक है, इनका पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल भी दे सकता है या बीपी मंडल भी दे सकता है, तो याद रखिएगा मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। ठीक है, और बेसिकली ये आपसे ओबीसी से संबंधित थे। ठीक है, जो आपको ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया गया है वो मंडल आयोग के आधार पर ही दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। ओके दोस्तों, मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, आपके ऑप्शन है 1989 में, सेकेंड है 1976 में, थर्ड है 1961 में, फोर्थ है 1979 में। तो दोस्तों मंडल आयोग की स्थापना हुई थी 1979 में, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है, आपके ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, सेकेंड है मौलिक दायित्व, थर्ड है अपराध और फोर्थ है अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण। तो दोस्तों अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण संबंधित है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था, आपके ऑप्शन है आदिवासी, वन जाति, जंगली जाति या सभी। तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति को हम सारे नाम से पुकारते थे, आदिवासी तो कहते ही थे, वन जाति भी और जंगली जाति, ये सारे नाम से पुकारे जाते थे, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट आपका है सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाएगा। ठीक है, सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाएगा, आपके ऑप्शन है सकारात्मक प्रक्रिया, नकारात्मक प्रक्रिया, सांस्कृतिक प्रक्रिया या आर्थिक प्रक्रिया। तो दोस्तों सीमांतीकरण एक प्रकार का नकारात्मक प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है किसने सीमांत व्यक्ति की अवधारणा दी है। ओके, ये आपका झारखंड बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसने सीमांत व्यक्ति की अवधारणा दी है, आपके ऑप्शन है जॉनसन, रॉबर्ट ई पार्क, थर्ड है मर्टन और चौथा है पार्सन्स। तो दोस्तों सीमांत व्यक्ति की अवधारणा दिया है रॉबर्ट ई पार्क ने, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई। ठीक है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई, आपके ऑप्शन है 1948 में, 1950 में, 1952 में या 1954 में। तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी 1952 में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है महिलाओं की सामाजिक स्थिति किस काल में सर्वाधिक निम्न थी, यानी कि महिलाओं की स्थिति सबसे दयनीय किस काल में थी, आपके ऑप्शन है वैदिक काल में, सेकेंड है मुगल काल में, थर्ड है बौद्ध काल में और फोर्थ है गुप्त काल में।
तो महिलाओं की स्थिति की बात करें तो सबसे दयनीय स्थिति महिलाओं की मुगल काल में थी, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, मुगल काल को महिलाओं के लिए काला काल भी कहा गया है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न बना सकता है कि महिलाओं के लिए काला काल किस काल को कहा गया है, तो यह मुगल काल को ही कहा गया है। ठीक है, क्योंकि मुगल काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी। ओके, नेक्स्ट आपका है अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्या दोस्तों, अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन है 1920, 1925, 1927 या 1930। तो अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना हुआ था 1927 में, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है किस वर्ष हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, किस वर्ष हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? आपके ऑप्शन है 1850, 1856, 1860 या 1865। तो हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था आपका 1856 में, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, फिर से पढ़िएगा प्रश्न ध्यान से। संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है? आपके ऑप्शन है 91 एवं 52वां, सेकेंड है 73वां एवं 74वां, थर्ड है 81वां एवं 82वां, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का जो बात कहा गया है वो आपका 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन में है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है लैंगिक विषमता किन्हें सामाजिक संसूचक कहा जाएगा। ठीक है, लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक संसूचक कहा जाएगा? आपके ऑप्शन है घरेलू हिंसा, सेकेंड है संपत्ति अधिकार की पृथकता, थर्ड है लोकतंत्र में सीमित भागीदारी और चौथा है नैतिक शोषण। तो बात हो रही है लैंगिक विषमता की, तो इसमें जो सूचक है आपका वो घरेलू हिंसा है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला प्रश्न आपका है स्त्रियों की निम्न स्थिति का सर्वाधिक सही सर्वप्रथम कारण चुने। क्या कह रहा है कि स्त्रियों की निम्न स्थिति का सर्वप्रथम कारण क्या है, यह बताना है। आपके ऑप्शन है अशिक्षा, सेकेंड है हिंदू धर्म, थर्ड है संयुक्त परिवार और चौथा है जाति व्यवस्था। तो स्त्रियों की स्थिति निम्न होने का जो कारण है सबसे पहला वो है अशिक्षा है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है स्त्रियों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया। ठीक है, स्त्रियों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, कस्तूरबा गांधी। तो स्वतंत्रता आंदोलन में जो शामिल होने के लिए आह्वान किया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है लैंगिक विषमता का संबंध है किससे है, ये बताना है। लैंगिक विषमता का संबंध है आपके ऑप्शन है सामाजिक मूल्यों से, आर्थिक मूल्यों से, राजनीतिक मूल्यों से या उपरोक्त सभी से। तो लैंगिक विषमता की बात हुई है तो लैंगिक विषमता किससे संबंधित है? सामाजिक मूल्यों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला आपका है सबला स्कीम केंद्रित है। ठीक है, यानी कि सबला स्कीम किससे केंद्रित है? आपके ऑप्शन है असहाय महिलाओं से, सेकेंड है किशोरियों से, थर्ड है मातृत्व लाभ से और फोर्थ है इनमें से सभी। तो सबला स्कीम की बात हुई है तो सबला स्कीम किशोरियों से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसे 2011 में लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखिएगा। सबला स्कीम 2011 में लॉन्च किया गया है और यह किशोरियों से संबंधित है। ठीक है, अगला आपका है निम्न में से किसे शारदा एक्ट कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से किसे शारदा एक्ट कहा जाता है? आपके ऑप्शन है विशेष विवाह एक्ट, थर्ड है सहमति आयु बिल, सॉरी सेकेंड है सहमति आयु बिल, थर्ड है बाल विवाह एक्ट और फोर्थ है हिंदू विवाह एक्ट। तो दोस्तों
शारदा एक्ट कहा जाता है बाल विवाह एक्ट को, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों, किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई, आपके ऑप्शन है 1997, 1998, 1999, 1986। तो बालिका समृद्धि योजना जो शुरुआत किया गया था वो 1997 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपने सारे प्रश्न कर लिए होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने बाकी वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।